जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं का जुलाई 2020 के राशिफल के बारे में, कैसी होगी उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके संतान की, उनके कार्य की, उनके नौकरी की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की स्थिति, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों सबसे पहले हम जानते हैं जो ये जो साल है वृश्चिक राशि वालों का, यानी 2020, जिसमें टिड्डी दल भी आया, जिसमें भूकंप भी आया, जिसमें जल प्रकोप भी आया, जिसमें बिजली प्रकोप भी आया, जिसमें बीमारी भी आई, जिसमें मंदी भी आई, हर चीज़ 2020 के अंदर आई। ऐसे महाप्रलय 2020 के अंदर 5 महीने वृश्चिक राशि वालों के, यानी कि फरवरी से लेकर और जून तक कैसे गए, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई में वृश्चिक राशि वालों का कैसे जाने वाला है। तो 5 महीने में वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं परिवार से दूरी के योग इनके बने थे, या तो इनका अचानक ट्रांसफ़र हो गया, या फिर कहीं ना कहीं परिवार में अनबन थी, या किसी काम के सिलसिले में परिवार का सुख इनको नहीं मिल पाया। दूसरी चीज़, इनको दूसरी प्रॉब्लम थी इन 5 महीनों के अंदर वृश्चिक राशि वालों ने झेली है, वो है सैलरी से संबंधित। सैलरी इनकी टाइम टू टाइम नहीं आ पाई, या सैलरी इनकी कम हो गई, ऐसी स्थिति इन्होंने झेली है। तीसरी चीज़, इनके परिवार के अंदर कोई ना कोई मांगलिक काम भी 2020 के अंदर हुआ है, किसी की शादी, किसी के संतान, या कोई ना कोई वाहन, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी का योग इनका बना भी था इन 5 महीनों के अंदर। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के सबसे पहले जुलाई के महीने में इनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो 10 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक स्वास्थ्य की भयंकर दिक्कत रहने वाली है। पेट संबंधी परेशानी रहेगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, हाथ पैरों में हल्की सी चोट के भी योग नज़र आ रहे हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वाले 10 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक थोड़ा सावधानी से यात्रा करें, या आपको कोरोना वायरस वाले शहर में जाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो प्रिकॉशन जरूर लें, वरना 10 तारीख से 22 तारीख तक थोड़ा टाल दें। इस समय पे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वृश्चिक राशि वालों का कमज़ोर हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं का जुलाई का महीना धन के लिए कैसा रहेगा, इसके ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का जुलाई का महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है धन के लिए। खासकर अगर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई के बारे में बात करें तो धन लाभ या रुका हुआ धन इनको मिलेगा। साथ ही साथ इनको नौकरी से संबंधित, पद से संबंधित, या व्यापार में किसी डील से संबंधित शुभ सूचनाएँ इनको मिलेगी, और कहीं ना कहीं को रुका हुआ धन लाभ भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी हो रही है ये, और परिवार के अंदर भी अगर देखा जाए तो परिवार में जैसे आप तो नौकरी कर ही रहे हैं मित्रों, साथ ही साथ आपके बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, उनके भी पैसे रुके हुए थे, तो उनके भी पैसे जुलाई के महीने में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो धन लाभ परिवार वाइज भी जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, भाई बहनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपका प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई खर्चा, बड़ा खर्चा लिखा हुआ है, और परिवार के अंदर अगर कोई फंक्शन होने वाला है, कोई परिवार का कोई शुभ काम होने वाला है, वो डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। माता के पैरों में दर्द की समस्या जुलाई के महीने में बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में, तो वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं का संतान के सुख के बारे में बोलें तो 1 तारीख से लेकर 21 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक संतान के सभी रुके हुए काम बनने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी जो समस्या है उसका अंत होगा, क्योंकि 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो मंगल जो पंचम भाव में बैठा है रोचक योग का निर्माण करा रहा है। तो संतान की जो प्रॉब्लम है, जो रुका हुआ काम है, जो काम कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण रुक गया था, वो काम होने के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं की नौकरी के बारे में, तो नौकरी की स्थिति जून से बेहतर नज़र आ रही है। खासकर अगर देखा जाए तो जुलाई का ओवरऑल महीना काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। खासकर 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक नए काम के योग बन रहे हैं, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, या नई जगह पे आपका स्थान परिवर्तन होगा, नई पोजीशन आपको मिलने वाली है। साथ ही नौकरी के अंदर तो आप जैसा चाहते थे, जो माहौल चाहते थे, जो काम चाहते थे, वो काम आपको मिल सकता है, मिलने के योग भी बन रहे हैं।
बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के व्यापारियों के बारे में, जो व्यापार करते हैं उनके बारे में, तो उनका जो ओवरऑल महीना है जुलाई का वो बाधा वाला रहेगा, यानी कि हर काम में बाधा रहेगी। खासकर 17 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया था वो कैंसिल होने के योग के कगार पे खड़ा हुआ है। साथ ही साथ कार्यों में बाधाएं आपकी रहेगी, कार्य व्यापार के अंदर आपके कलीग से या आपके वर्करों से आपकी नोकझोंक लगेगी और काफ़ी कर्मचारी आपकी नौकरी छोड़ के भी आपके व्यापार से चले भी जाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। यानी कि व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत संघर्षमय रहने वाला है। जय माता दी। जय माता दी जी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से तो काफ़ी साल पहले से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है आपका एक्सपीरियंस और अपना अनुभव क्या रहा आपका? हमारा तो गुरुदेव के साथ जुड़ के बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुरू से ही इन्हों के मार्गदर्शक से हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छी निकली। 2015 में गुरुदेव ने मुझे नीलम पहनाया था जी। और लोग कहते हैं नीलम आपको बना देता है और बिगाड़ देता है, तो मुझे तो इतना बढ़िया बनाया था कि एक महीने के अंदर रिज़ल्ट इतना अच्छा आया। मेरी एक बहुत बड़ी नामी कंपनी टेक महिंद्रा में जॉब लग गई, मैंने बड़े से बड़ी गाड़ी खरीदी, घर का पूरा कल्याण हो गया। तो मैं तो गुरुदेव से ये कहूँगी हमारे साथ, हमारे ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें और हमें अच्छा मार्गदर्शन हमेशा दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो भी उपाय किए उसका आपको अच्छा लाभ, बहुत बहुत अच्छा लाभ, नीलम से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बेनिफिट। बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, आपका हर मनोकामना पूर्ण करें और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बने। बिल्कुल। जय माता, जय माता दी। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।